नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं प्राइम टीवी और प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितिन। साथियों, आजकल उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमयी बुखार ने अपने पैर पसार रहे हैं। गोरखपुर से लेकर मथुरा तक लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर कैसे इस बुखार ने एकाएक इतना रौद्र रूप अपना लिया और हमारी व्यवस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी उस वक्त रह गई जब हम कोरोना की तीसरी लहर से मजबूती से लड़ने के लाख दावे कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की आम जनता लगातार इस समस्या से बेहाल है और हुक्मरान हमारे अभी भी फिलहाल कागजी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट और कुछ बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब डेंगू और वायरल बुखार लोगों पर कहर बरपाता दिखाई दे रहा है। जहां अभी लोग कोरोना की दूसरी लहर से उभर ही पाए थे, तो वहीं लोगों की कमर तोड़ने और उनके घर से नन्हे बच्चों को छीनने के लिए डेंगू और वायरल आ चुका है। पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में डेंगू की मार देखी जा रही है। आलम यह है कि लोगों को अस्पतालों के बाहर फिर से लाइन लगानी पड़ रही है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि कानपुर के अस्पतालों में लोग जमीन पर लेटकर अपना इलाज कराने को मजबूर हो चुके हैं। वेस्ट यूपी के कई जिलों में बुखार ने पैर पसार लिए हैं। मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, बागपत, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, कासगंज वगैरह जिलों में वायरल फीवर और डेंगू के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुछ जिलों में मरीजों की मौत भी हुई है। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना है। कई जिलों में लोग वायरल बुखार से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सर्विलांस को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। सीएम ने आगामी 7 से 16 सितंबर तक प्रदेश व्यापी सर्विलांस कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बुखार से पीड़ित या कोविड के लक्षण वाले लोगों की पहचान करेंगे। इस खतरनाक बीमारी ने अगर सबसे ज्यादा कहीं कहर बरपाया है तो वो है यूपी का फिरोजाबाद। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि वहां का क्या हाल है। ये चीखती चिल्लाती तस्वीरें और रोते बिलखते परिजन सवाल कर रहे हैं उस लचर सिस्टम से जिनकी भेंट नन्ही जिंदगियां चढ़ गई। ये तस्वीरें सवाल कर रही है उस सिस्टम से जो कहती है यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, जो कहती हैं यूपी में सब कुछ चंगा है, जो बखान करती है स्वास्थ्य व्यवस्था के उस खोखलेपन की जिसके दम पर आईसीयू पर लेटा स्वास्थ्य विभाग सीना फुलाए नजर आता है। यहाँ लोगों का कहना है कि अचानक बुखार आ रहा है और बच्चे बेमौत मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बीमारी का तो पता ही नहीं पड़ता है, 2 दिन में बच्चे खत्म हो जाते हैं। बुखार आता है और बुखार आने के बाद पेट में दर्द होता है और खत्म हो जाता है। अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है? करीब ऐसे ही मोहल्ले में 4-5 बच्चों की तो यही मोहल्ले में मौत हुई है। वहीं अब इन मौतों पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर बच्चों में बीमारी फैल रही थी तो फिर आखिर बच्चों के स्कूल क्यों खोले गए। कांग्रेस का कहना है अभी सरकार को कुछ महीने और स्कूल को बंद करना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वैश्विक महामारी से जहां हमारे प्रदेश ने और देश ने लाखों लोगों को खोया है, ऐसे में जब सबको मालूम है और सरकारों को मालूम है कि जो ये 4 महीना बरसात का होता है, इसमें संचारी रोग, जिसमें बैक्टीरिया जनित रोग, जिसमें टाइफाइड, वायरल, डेंगू, चिकनगुनिया इस प्रकार के, और जो गोरखपुर में एक विशेष प्रकार का मस्तिष्क ज्वर होता है, और आज आप देखेंगे कि पूरे पूर्वांचल में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच और इधर पश्चिम के फिरोजाबाद में, आपके राजधानी लखनऊ में सारे अस्पताल बच्चों की बीमारी से फुल हैं। तो सरकार ने समय रहते इसका जो प्रबंधन है वो क्यों नहीं किया, क्योंकि जब लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये आशंका प्रकट कर रहे थे कि जो तीसरी वेव कोरोना की आने वाली है उसमें बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, और सारे अस्पताल भरे पड़े हैं, चाहे वो राजधानी का हो, चाहे फिरोजाबाद आगरा पश्चिम का हो, चाहे गोरखपुर गोंडा बहराइच के एरिया हो। तो सरकार को इस पर तुरंत बड़ी कार्रवाई करते हुए, पूरी इंतजाम करते हुए, जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए ये प्रबंधन करना चाहिए कि हम और किसी को न खोएं, अपने बच्चों का जीवन बचा सकें, और इसमें जितना भी एफर्ट सरकार को लेना हो लेना चाहिए। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश के अंदर में जिस तरह से बच्चों की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार सन्नाटे में है। सरकार जाति धर्म के मुद्दे को बढ़ावा दे रही, लेकिन एक बार भी मन से मुख्यमंत्री या उनके मंत्री या कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि बच्चों की लगातार फिरोजाबाद के अगल बगल में, अब दूसरे जिलों में भी ये डेंगू और ये मस्तिष्क ज्वर और ये वायरस जो फैला हुआ है जिससे बच्चों की मौतें हो रही है, इससे ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं कोई हो सकती हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। ये हमारा उत्तर प्रदेश की हालत है आज की डेट में। सरकार को इस पे संज्ञान, सरकार की व्यवस्थाओं में कमी है। सरकार चूंकि पूरी तरह से उनकी व्यवस्थाएं, जो इनकी मेडिकल फैसिलिटी है वो सही समय पे नहीं मिल रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि मेडिकल फैसिलिटी समय पे मिले, जो सरकार इससे भाग रही है। अब जब बुखार तेजी से पैर पसार रहा है तो अलग अलग जिले भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। कई जिलों के सीएमओ अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे यहाँ पे जब से बुखार के वायरल फीवर चला हुआ है, तब से फीवर हेल्प डेस्क एक बनाई गई है जो कि इमरजेंसी में बनी हुई है। कोई भी बुखार का मरीज़ वहाँ पे जाके डॉक्टर की सलाह ले सकता है, जांच करवा सकता है। फीवर ऑब्लिक डेंगू वार्ड करके बनाया गया है वार्ड में, जिसके लिए 10 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। 5 बेड पे मच्छरदानी लगाई गई है। अगर डेंगू जैसा या मलेरिया जैसा कोई पेशेंट आता है तो वो मच्छरदानी के अंदर लेटेगा, उसकी पूरी देखरेख होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? क्या ये भी मौतें झूठी हैं? क्या ये भी आंकड़े फर्जी हैं? तरह दूसरी लहर में हुई मौतों से सरकार ने मुंह मोड़ लिया था, क्या इसी तरह एक बार फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी या फिर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? तो देखा आप सबने कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बदहाल है। अगर हम पश्चिम से बात करें तो पश्चिम में फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर, मथुरा, ये सारे जो जिले हैं यहाँ पर लगातार ये समस्या फैली हुई है। और उसी तरह का हाल पूरब में भी है, जो कि गोरखपुर, देवरिया, इन सब क्षेत्रों में। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आज इस विषय पर अपना अपने पार्टियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी शाही, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल राजपूत कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और वो पार्टी का पक्ष रखेंगी। और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस वजह से हमारे साथ इस वक्त राजेश प्रजापति जो कि डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरह से डेंगू की बात कही जा रही कि डेंगू का प्रकोप है। मथुरा में अगर हम बताएं तो मथुरा में यहां पर इसको दूसरा एक नाम दे दिया गया है और उसका नाम है स्क्रब टाइफस। इसके अलावा अगर हम गोरखपुर आते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जैपनीज इंफेलासाइटिस जो कि जापानी बुखार होता है वो है। और कानपुर में अबूझ वायरल इसको नाम दिया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग बीमारियां हैं लेकिन सबके लक्षण एक ही हैं। हर जगह बच्चों ने दम तोड़े हैं, हर जगह बड़े बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़े हुए हैं। आखिर कारण क्या है और सरकार कितनी सजग है? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करी जाए अश्विनी जी तो अब लोग बता रहे हैं कि जब वो अस्पताल पहुंच रहे हैं तो क्विक रिस्पॉन्स जो होना चाहिए, जिसके वायदे स्वास्थ्य महकमा अक्सर करते आया है, वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। क्या तैयारियां हैं? नितिन जी देखिए, 18 तारीख जी बोले, आवाज आ रही है आपकी। आज से ये बीमारियां फैलनी शुरू हुई हैं और 18 अगस्त के बाद अचानक फिरोजाबाद में ये पहले बीमारी शुरू हुई थी। और उस बीमारी को लेकर ये देखा जाए कि जैसे ही ये बीमारी फैली और कुछ बच्चों के दुखद मृत्यु की सूचना मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर तुरंत अपने स्वविवेक से जाकर वहां गए वो और क्विक रिएक्शन लिया। वहां के सीएमओ को हटाने के बाद अचानक ये धीरे धीरे अन्य जिलों में भी धीरे फैल रही है। इसमें देखिए, आपने अभी कहा कि सारे जगह पर लक्षण एक ही पाए जा रहे हैं। तो जब लक्षण जो कहीं डेंगू का पाया जा रहा है, कहीं गोरखपुर में जो पाया गया उसमें भी डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। उसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस को तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी दूर भगा दिया है, जिसमें हमारे माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी का बहुत भारी योगदान रहा है। पिछली सरकारों में ये लड़ते रहे, हम लोग सरकार में नहीं थे, उसके बावजूद भी लड़ते लड़ते अब जाकर उस पर काबू पाया जा चुका है। लेकिन ये मौसम चूंकि बदल रहा है, इस मौसम बदलने में काफी वैज्ञानिक लोग, अभी डॉक्टर साहब शायद इस पर प्रकाश डालें उस पर ज्यादा बेहतर, तो लेकिन अभी भी जो वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं मौसम बदल रहे हैं। कहीं भी जांच में न तो कोरोना पाया गया है, न कोई अन्य बीमारी पाई गई है, सब में एक लक्षण पाए गए हैं। और जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब जगह एक मैसेज कर दिया, 75 जिलों में 75 नोडल अफसर बना दिए गए हैं। देखिए, सीएमओ को त्वरित गति से हटाने के बाद और वहां पर दूसरा सीएमओ लाया गया है और फिरोजाबाद में अब स्थिति थोड़ी काबू में आती दिख रही है। मैंने ये नहीं कहा कि अभी खत्म हुई है, काबू में आती दिख रही है। अभी एक दो दिन उसमें और लगेगा। और अब गांव-गांव, नितिन जी, टोलियां जा रही हैं, हमारे गांव-गांव वहां पर लोगों की टेस्टिंग की जा रही है कि किसको अगर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसको हम दवाई भी दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा, क्योंकि 4 साल हो गए हैं, 4 सवाल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, बीजेपी की सरकार के। हर साल संचारी रोग अभियान चलाया जाता है और लगभग यही वो समय है जब जून, जुलाई और अगस्त में ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जाता है, जहां पर आप लोग बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को करते हैं। लेकिन हर साल ये समस्या आती है और गोरखपुर में आती है, जहां से योगी जी का बहुत पुराना नाता रहा है। इसके अलावा आप वो पश्चिम में भी फैल गई है। एक और अहम बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अब से कुछ दिनों पहले जब हम लोग की बात होती थी तो कहीं ना कहीं हम कोविड की तीसरी लहर की बात भी करते थे और उसमें यह भी कहते थे कि बच्चों पर इस बार आफत आएगी। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोविड के ही लक्षण हैं, क्योंकि कोविड की बहुत बड़े पैमाने पर जांच नहीं हो रही है, जो भी मरीज अस्पताल पहुंच रहा है या जो बच्चा अस्पताल पहुंच रहा है उसकी। तो क्या आप लोग को नहीं लगता है कि कोविड की भी जांच करवानी चाहिए? और ये जो संचारी रोग अभियान आप लोग चलाते हैं, इसका फल क्या है अगर इस तरह से बच्चे बीमार होते रहेंगे तो? नितिन जी, देखिए, कोविड की जांच हुई है और इसमें कोविड के कहीं लक्षण पाए नहीं गए हैं। पूरे प्रदेश में मैं आपको जानकारी आपके माध्यम से दे दूं, कोविड के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। हाँ, इसमें डेंगू, मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं और वहां के लोगों से लेकर वहां के लोकल स्वास्थ्यकर्मी तक अब इस पर जो है सब लोग देख चुके हैं कि क्या है ये। और वहां पर उसके सुचारू रूप से, जैसे पानी में जो है उसका दवाई मिलवाना, DDT का छिड़काव कराना, मलेरिया का विभाग जो है अपना बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्योंकि मौसम, देखिए, बदलता है। आपने संचारी रोग की बात कही, हम हर साल ये एक प्राकृतिक जो चेंज है, प्राकृतिक में जो बदलाव आता है, इसमें जरूर कुछ न कुछ कहीं न कहीं मनुष्य के ऊपर असर होता है। और ये आज से 4 साल से नहीं हो रहा है ये, नितिन जी, ये पहले से होता आ रहा है और आगे भी भविष्य में होता रहेगा। हाँ, उसका बचाव किया। अश्विनी जी, आपके और भी साथी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर विपक्षियों की क्या राय है। आप लोग जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतर काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद मौके पर पहुंचे, उसके बाद अधिकारी जो जिम्मेदार था उसके पर गाज गिराई गई और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द ये पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले को उस पर पकड़ बनाई जाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज दिया जाए। शिल्पी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शिल्पी जी समाजवादी पार्टी से हैं, आप क्या कहना चाहेंगी जो स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में है स्वास्थ्य को लेकर? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कोविड झेला है और कोविड भी इतना दर्दनाक झेला है, जहां पर शमशान घाटों में जगह नहीं बच रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, लोगों को एडमिट होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अभी हम उन चीजों से उबर नहीं पाए थे और उसके बाद एक बार फिर से ये मौतों का जो सिलसिला है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी किस तरह से काम कर रही है और क्या और बेहतर करना चाहिए इन्हें? देखिए नितिन जी, अगर बीजेपी कुछ काम कर रही होती तो मुझे लगता है कि आज हमें आपको इस डिबेट में नहीं बैठना पड़ता। ये बहुत पहले कह दिया गया था कि अगस्त के बाद का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और अगस्त से अक्टूबर तक 3rd वेव आएगी जिसमें कि बच्चे प्रभावित होंगे। वही हो रहा है। लेकिन अगर इन्होंने यही कह दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो अब हम और आप तो ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि उन बच्चों को कोरोना से मृत्यु हुई है या किससे हुई है। ये तो कह रहे हैं कि कोविड की जांच करवाई है, कहीं कोविड नहीं। कोविड की जांच के तो उन्होंने कोविड के जो टेस्ट किट हैं उनके साथ ही कितना कुछ खिलवाड़ हो रहा है, वो पैक होने से पहले, तो हम उसको बिल्कुल रिलायबल नहीं मानते हैं। दूसरी बात, ये डिनाइल कर रहे हैं कोरोना का, तो डिनाइल इन्होंने संसद तक में कर दिया है, तो अब यहाँ स्टेट लेवल पर कहने की तो कुछ बात ही नहीं बची। जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात जो ये कर रहे हैं और कह रहे हैं डेंगू से तो जापानीज इंसेफेलाइटिस, जाहिर बात है वैसे भी मच्छर से ही होता है। अगर इन्होंने पूर्ण रूपेण उसे खत्म कर लिया होता तो भी बात होती। तो पूर्व में मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। अगस्त कल ख़त्म हुआ है, आज सितंबर की 2 तारीख है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये थर्ड वेव कोरोना की है। और सरकार के लिए अगर अभी मैं कुछ कहूँगी तो ये कहेंगे कि विरोधी पार्टी है, आरोप लगा रहे हैं। ये कुल मिलाकर बहुत बड़ा एजेंडा है जनसंख्या नियंत्रण का। और ये बच्चों के स्कूल खोलकर जानबूझकर उनको मौत के कुएं में धकेल रहे हैं। शिल्पी जी, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में, आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि शायद अगर वो उन पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात करी जाए, उनकी समस्याओं को जाना जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर जिले में हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर मिलेगा, क्योंकि ये तो हर बात पे आरोप लगा देते हैं। किसान आंदोलन में अगर हम किसानों से भी मिलने गए हैं तो इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन सपा से प्रभावित है, सपा उसको स्पॉन्सर कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री महोदय ने पीकू अनाउंस किए थे, पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट्स, के हर अस्पताल में हर जिले में वो बनाए जाएंगे। मुझे बताइए आज बच्चों की मौत कैसे हो रही है अगर पीकू बनाए गए हैं? वो पीकू काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सीएमओ या डिप्टी सीएमओ को हटाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे? आपने कोई भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, एक चुनाव निपटा, दूसरे चुनाव को जीतने की तैयारी। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता मर रही है, मरने के बाद लकड़ी नहीं मिल रही है, रेत में शव दफन किए जा रहे हैं। और इनके लोग जाके संसद और विधानसभा में कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि सपा के कार्यकाल में जितनी मौतें हुई हैं उतनी अभी नहीं हो रही, बहुत कम हो गई, हमने बहुत कुछ काम नहीं। तो ये यही तुलना करते रहे, सपा को लोगों ने हटाया, अब आपको हटाने के लिए जनता तैयार है। तुलना करिए। विशाल को जोड़ूंगा, विशाल राजपूत कांग्रेस से है। विशाल, आप बताइए क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जिस तरह से ये बदहाली का मंजर देखने को मिला, क्योंकि पहले कोविड को देखा गया, कोविड में किस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद अभी की जो स्थिति है, चाहे वो पश्चिम की हम बात करें या फिर पूरब की बात करें, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी स्थिति का जायजा लेने के लिए गए हुए थे, आपको क्या रिपोर्ट मिली है? देखिए, जहाँ तक वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति है, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय अजय कुमार लल्लू जी, वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जब हम लोग फिरोजाबाद पहुँचे, मैं भी था उनके साथ में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जितने भी मरीजों के जो क्या कहते हैं कि मरीजों के साथ जो भी वहाँ पे क्या कहते हैं स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। वहाँ पे ना ब्लड की व्यवस्था थी, वहाँ पे जो डॉक्टर के जो क्या कहते हैं सुविधाएं देनी चाहिए थी, वहाँ पे पहली बात कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। फिर वहाँ पे हम लोग ने ब्लड बैंक को जाके चेक किया तो वहाँ पे ब्लड तो बिल्कुल था ही नहीं। तो आप नहीं, क्या मतलब क्या अश्विनी जी झूठ बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गए, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, सीएमओ ने लापरवाही। मुख्यमंत्री जी तब गए जब वहाँ पे 50 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, तब मुख्यमंत्री जी पहुँचते हैं और वो जगते हैं। और आप खुद सोचिए, जब देश प्रदेश विश्व खुद WHO और देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ जब थर्ड वेव की बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चों पे पड़ेगा, आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आज ये बच्चों पे जो बुखार है, जो ये संचारी रोग हैं, और इनको पता होना चाहिए भाई 4.5 साल सरकार भी बिता चुके हैं। इनको पता होना चाहिए कि जुलाई से लेके जो ये 4 महीने होते हैं बहुत ही गंभीर महीने होते हैं, क्योंकि इनमें ये बरसात का मौसम होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी चीज़ों से रोग फैलते हैं। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। बस दिक्कत क्या है कि इवेंट की सरकार है, इवेंट में बिजी है, ये पिछड़ा सम्मेलन करा लें, दलित सम्मेलन में बिजी हैं, ये सारे सम्मेलनों में बिजी हैं, मगर इनको उत्तर प्रदेश के आम जनमानस से कोई साहूकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आज खुद इनकी पोल जो है वो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे वो फिरोजाबाद हो, आगरा हो, चाहे आज मथुरा हो, वो पूरा आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो एरिया देखते हैं इसी रोग की चपेट में आ चुका है, लगातार मौतें हो रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। हम राजनीतिक चर्चा इस पर अभी आगे जारी रखेंगे, लेकिन साथियों यहाँ पर अहम जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि इस वक्त हमारे साथ राजेश प्रजापति भी जुड़े हुए हैं, जो कि डॉक्टर हैं, क्योंकि एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के जो बाकी के जो जिले हैं वहां पर ये समस्या ना फैले, हम क्या जो सावधानियां हैं बरत सकते हैं, ये उनसे जानना बहुत ज़रूरी है। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि जो फिरोजाबाद की, मथुरा की, कानपुर की और आगरा की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम पूरब की जो बात कर रहे हैं जिसमें आपका गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, ये जो ज़िले हैं, इन दोनों ही जगहों पर बीमारियाँ एक हैं, लक्षण एक हैं, लेकिन नाम अलग अलग हैं। क्यों? दूसरी चीज, बाकी के जो लोग हैं जैसे कि हम और आप हैं और हमारी जो 24 करोड़ की जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, अगर वो इस समस्या से आगे आने वाले दिनों में बचना चाहती है तो क्या क्या प्रभावी कदम है वो उठाए? नितिन जी, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारा देश एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर जब रेनी सीजन होता है या बरसात का मौसम होता है, स्पेशली जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो टाइम होता है, इस टाइम पे जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है या ऐसे रोग जो संचारी रोग जिन्हें बोलते हैं, इनका नंबर बढ़ जाता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। और ऐसे समय में अगर हमने साफ सफाई का विशेष प्रकार से ध्यान नहीं रखा, और देखिए साफ सफाई का और ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम है, ये हमें बारिश से पहले, मतलब बरसात से पहले के समय में शुरू करना होता है, ताकि हम समय रहते ही इस रोगों को फैलने से पहले कंट्रोल कर सके। समस्या क्या है कि जिस प्रकार से अभी आपने बताया और बाकी पैनलिस्ट ने भी अपने डिस्कशन में बताया कि फिरोजाबाद में लगभग 60 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, और भी जो समाचार चैनल हैं और भी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके माध्यम से जो मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो सैनिटेशन की स्थिति है, जो साफ सफाई की स्थिति है, फिरोजाबाद एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज हैं उनमें काम करते हैं, पुअर हैं, मतलब गरीब तबके के लोग हैं, और साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, रहन सहन भी बहुत अच्छा नहीं है। उसकी वजह से संचारी रोग, स्पेशली जो वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे कि डेंगू हो गया, एक्यूट जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गए, तो ये सारे रोग जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं, ये फैलने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर इसको हम लोग सही से नियंत्रित ना करें तो एक जैसा कोरोना का एक एपिडेमिक था, वैसा एक एपिडेमिक देखने को मिलता है। और बात करते हैं अगर पूरे उत्तर प्रदेश की, तो लगभग 24 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है, और हमारा जो हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान जो है वो बहुत अच्छा नहीं है आज भी। जैसा कि अश्विनी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं और उनके अथक प्रयासों की वजह से आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जिलों में PICU पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन इंटेंसिव केयर यूनिट खुलना एक अलग बात होना होता है, और उसकी क्रियाशीलता होना। देखिए बिल्डिंग्स कोई भी इलाज नहीं करती, इलाज वहाँ पे उपस्थित जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है वो करता है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, साफ तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो जाहिर सी बात है क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि जब शुरुआत में किसी बच्चे को फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो उसके परिवार वाले कोशिश ये कर रहे हैं कि मेडिकल स्टोर से जो नॉर्मल जो दवाएं होती हैं, वो पैरासीटामॉल हो गई या फिर जो अन्य दवाएं हैं वो खिलाकर 2-3 दिन निकालने की कोशिश करी जा रही, ताकि उनको ये पता चल जाए कि ये वायरल है कि क्या है। तो क्या उस दौरान ये बीमारी रौद्र रूप ले रही है, क्या यही कारण है? और उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे जो सरकारी अस्पताल है वो बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है, क्योंकि पता ये भी चला है कि 200-200 मरीजों को एक सिंगल डॉक्टर देख रहा है। तो क्या ये भी कारण है कि हम अपने घर में इलाज ना करें, अगर बच्चे को इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो हम सीधे उसे अस्पताल लेकर जाएं? जी नितिन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी बच्चों में इस प्रकार के कोई सिम्टम्स दिखे तो माता पिता को चाहिए कि वो लोकल या आसपास के किसी अशिक्षित या झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के बजाय या खुद से मेडिकल स्टोर से दवाएं लेने के बजाय उन्हें चाहिए कि जो सरकार द्वारा प्रदत्त चिकित्सा सुविधाएं हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाके कांटेक्ट करें और वहां से इलाज लेने का प्रयास करें। बात सही है कि हमारा जो सिस्टम है ओवरबर्डन है, हमारे पास एक डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीजों का भार रहता है, लेकिन अगर आप इस तरह से झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराएंगे या बिना उचित चिकित्सीय परामर्श के मेडिसिन देंगे तो उसकी स्थिति और बिगड़ती है। बच्चों में समस्या क्या होती है कि बच्चों का फिजियोलॉजिकल रिजर्व बहुत कम होता है। अच्छा, तो एक बार अगर डॉक्टर साहब, क्या इसे कोविड से जुड़ा हुआ भी देखना चाहिए? क्योंकि कोविड की तीसरी लहर के लिए बताया जा रहा था कि ये जो तीसरी लहर आएगी इसमें बच्चों पर ज्यादा असर रहेगा, तो इस वक्त वही हो रहा है, बच्चे ज्यादातर बीमार पड़ रहे हैं। तो क्या इसको कोविड से भी जोड़ा जाए? क्योंकि नहीं, यहाँ पर कई ऐसे परिवार है डॉक्टर साहब जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि बच्चों का जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी डाउन हो गया था। तो क्या इसको उससे भी जोड़ा जाए? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है ये कोविड से जुड़े हुए मामले नहीं है। कोविड के मामले अगर होंगे तो सिर्फ बच्चों में हो, ऐसा होना संभव नहीं है। कोविड प्राइमरीली सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, ऐसा होना संभव नहीं है। तो अगर कोविड होता तो एडल्ट्स में डेफिनेटली मिलते केसेस, और एडल्ट्स में के साथ साथ बच्चों में भी RT-PCR पॉजिटिव केसेस मिलते और इसकी हमें जानकारी होती। तो ये कोविड से जुड़े हुए मामले नहीं है, ये बेसिकली मैं वापस आऊँगा आपके पास। अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि अभी जब हम सपा से और कांग्रेस से उनका जब हाल जान रहे थे उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने वो उनके जो नेता थे वो जो इन पीड़ित क्षेत्रों में गए और वहाँ पर जायजा लिया, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 50 से ज़्यादा बच्चे मर गए तब मुख्यमंत्री जी गए, उसके पहले क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था कि इन जगहों पर स्थितियाँ जो हैं वो बेहतर नहीं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ हैं वो बेहतर नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? नितिन जी, देखिए ये कांग्रेस और सपा इस समय जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है और सपा की हमारी नेत्री अभी जो कह रही थी विद्यालय क्यों खोला गया, इनको पता नहीं फिरोजाबाद में स्कूल बंद है। आज जो है ये लोग इन्हीं के नेता कहा करते थे कि टीका नहीं लगवाइएगा भाई, भाजपा का वैक्सीन है, और आज उत्तर प्रदेश 7 करोड़ से ऊपर टीका लगवा चुका है। तो ये सब चीजें ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन का नाम लिया इन्होंने, किसान आंदोलन में इन लोगों ने जहाँ जाकर क्या क्या नहीं किया अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, उन किसान नेताओं के कंधे पर रख के बंदूक चलाने का, तो ये भ्रम में नहीं जाना चाहिए। आज जो संवेदनशील विषय आपने नितिन जी उठाया है, हमको उस विषय को लेकर चलना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को और बेहतर करना चाहिए। इस पर मैं थोड़ा सा जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए नितिन जी, अभी हम 4.5 साल की सरकार हो गई है जिसमें 2 साल हम लोगों ने कोरोना झेला है, और कोरोना में मैं बहुत खुले हृदय से कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि चाहे अनचाहे पूरे देश की सरकारों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं को उच्चीकृत करना पड़ा, और पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं जो पहले से लचर चली आ रही थी, आज पिछले जो इनकी सपा की कितनी बार सरकार रही, बसपा की रही, इन लोगों ने कभी भी पीएचसी सीएचसी को उच्चीकृत करने का मन नहीं बनाया, कभी भी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, कभी भी। ये आज 11-12 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में चल रहे थे, आज हम भारतीय जनता पार्टी ने 30 मेडिकल कॉलेज दिया, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज होंगे उसमें से तो डॉक्टर निकलेंगे, और जो सेवाओं का बदहाली का अभी हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे इतने में जो है एक डॉक्टर था, ऐसा तो होता नहीं। आपकी बात सुन के वो कुछ कहना चाहती है अश्विनी जी? अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अगर आपने खोल दिए तो फीता हमारे नेता के काम का क्यों काट रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जी? बताइए जरा, इसको भी तो बता दीजिए। पीछे से जो सरकारें चलती चली आ रही थी, दूसरा टेन्योर मोदी का है, 2 साल आप चला चुके, 2.5 साल की सरकार, 4.5 साल की सरकार में भी आपको समय नहीं मिला काम करने का, आपको समय नहीं मिला, आप फीता हमारे ही नेता के किए हुए कामों का काट रहे हैं। इतने मेडिकल कॉलेजेस आपके हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस आपके हैं, कुछ बताइए, इतने मेडिकल कॉलेजेस आपके हैं। जब ये कहा गया कि कैंसर इंस्टीट्यूट को कोरोना वार्ड में बदल दिया जाए, तब आपके मुख्यमंत्री को होश आया कि लखनऊ में कोरोना हॉस्पिटल खोलने के लिए कैंसर अस्पताल पड़ा हुआ है। क्या बातें कर रहे हैं, चल नहीं पाएंगे, डॉक्टर ही बैठे हैं, और उन्होंने कहा है खुद कि पीको खोलने से कुछ नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने काम नहीं किया है। बेकार की बातें करते हैं आप लोग, बेकार की बातें करते हैं। एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। 45 मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, चल नहीं पाएंगे। 45 मेडिकल कॉलेज खोल दें, चल नहीं पाएंगे। खोले ना इन्होंने पीकू वार्ड, क्यों बच्चे मर रहे हैं, इसी बात का ये जवाब दे दें। जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी से, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, जैसा कि शिल्पी जी कह रही हैं कि मेडिकल कॉलेज खोले लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं। मैं एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि बीते करीब 1.5 से 2 साल से उत्तर प्रदेश में आए दिन टीम 11 और टीम 9 की बैठकें होती आई हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थितियाँ हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अधिकारी अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सही हाल उत्तर प्रदेश का नहीं पेश कर रहे हैं और इसका जो पूरा खामियाजा है वो आप लोग को भुगतना पड़ सकता है? देखिए नितिन जी, अभी मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं सुनता रहा हूं, और ये समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए भ्रम फैला रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के चिल्लाते हैं। मैं अपना जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये बीच में ये लोग बोल रहे हैं। नितिन जी, ये उचित नहीं है, इन लोगों को अपने टर्म पर बोलना चाहिए। इतनी तो मतलब किसी भी डिबेट की गरिमा होनी चाहिए। पूछ रहे हैं हम क्यों नहीं गए, सपा के पास गरिमा का क्या मतलब है, सपा के पास गरिमा का क्या है? सवाल ना पूछें कि हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचे, आपने सवाल पूछा, तक जवाब गोरखपुर में भी आप लोग बचा रहे हैं लोगों को, गोरखपुर में भी आप लोगों को बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बचा रहे हैं शमशान घाटों में। देखा है कभी आपने कैसे परिवार तड़प रहे हैं, कैसे परिवार तड़प दिव्य जी बताएंगी सफाई का बजट कितना था सरकारी, क्यों बंद हो गया? आपके पास जवाब नहीं है तो आपको सैफई याद आ रहा है, मुजफ्फरनगर भी याद आएगा। अरे सरकार का हमारा कोरोना के काम कर लिया है, ये दुनिया देख रही है, उसी में आप लोगों को जवाब मिलेगा। जनता से मत रहिए, फैलाइए मत, जीरो पर जाएंगे इस बार, आप लोग जीरो होंगे आप लोग। अश्विनी जी, चुनावी मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो अभी जो आपसे जवाब मांगा जा रहा था वो बोल दीजिए, तो फिर उसके बाद मैं बाकी के जो हमारे गेस्ट हैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा और फिर जवाब लूंगा। अभी आप बताइए कि जो मैं पूछ रहा था कि टीम 9 और टीम 11 की बैठकें चलती आई, तो क्या अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री तक सही जो रोड मैप है वो नहीं पहुंचा रहे? नितिन जी देखिए, अगर आपका सवाल बहुत गंभीर है और आज का मुद्दा भी गंभीर है, इसकी गंभीरता को समझ रहा हूं, मैं किसी को टोक नहीं रहा था, लेकिन अब आपके सवाल का जवाब ये ले लीजिए। आज माननीय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, उन्होंने अगर अपना टीम 11 और टीम 9 के ऊपर शिकंजा नहीं कसा होता तो आज हम सही समय रहते हुए कोरोना पर कैसे विजय पा लेते। हम इतनी भयावह स्थिति थी कोरोना की पूरे देश में, आज भी देखिए केरला में क्या स्थिति थी। यही हमारे विपक्षी दल के जो नेता लोग हैं, तथाकथित सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा की नेता और कांग्रेस के लोग पैसे से केरल मॉडल अपनाइए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है आज देखिए, हमारे यहाँ सबसे कम मौतें हुई हैं, टीकाकरण हमारे यहाँ बेहतर हो रहा है, अस्पतालों को हमने पीएचसी और पीएचसी को, ये देखिए मूल सवाल है नितिन जी आपका, वो उसी टीम 11 और 9 की मदद से हम लोगों ने उसको उच्चीकृत करने का। सर ये बैठक रोज लखनऊ में होती है और लखनऊ में 54 केस निकल आए हैं। नितिन जी लखनऊ में बैठक और उसका दोनों का तालमेल ये है कि बैठक होने से केस निकलना नहीं बंद हो जाएगा, बैठक होने से उस पर कैसे हम काबू पाएं, किस तरीके से हम चीजों को लागू करें। अभी भी देखिए रात में 2 साल हो गया, आधे अभिभावक डर के मारे स्कूल भेजना नहीं चाहते, लेकिन उनके मन में अकुलाहट है कि स्कूल खुले, नौकरियां जा रही हैं, हमको शासन भी चलाना, सरकार भी चलाना, हमको प्रदेश की व्यवस्था बेरोजगारी भी देखना। ये विरोधी दल के लोग तो मुंह उठा के कुछ भी आरोप लगा देंगे। आज हम लोगों को सब कुछ करना है क्योंकि सत्ता में बैठे हैं और आप हमसे सवाल पूछेंगे। मैं विशाल से जवाब ले लेता हूं। विशाल, क्यों आप लोग योगी जी पर भरोसा नहीं करते? आप लोग कह रहे हैं कि केरल मॉडल अपनाइए जैसा अश्विनी जी कह रहे हैं, और बेफिजूल के बयान आप लोग क्यों देते हैं? देखिए जहाँ तक योगी जी की भरोसे की बात है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आए दिन उनको दिल्ली परेड करना पड़ रहा है। दूसरी बात रही कि जो इनका हाल है, आप सोचिए ये पूरी सरकार जो है वो रोग से ग्रस्त है। इनको ये दूरदर्शी है, इसको ये पता ही नहीं था कि इतना ये जो 4 महीने होते हैं बहुत ही गंभीर महीने होते हैं, इसमें कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। इनको पहले से उसका क्या कहते हैं इंतजाम करना चाहिए था। चलाते हैं संचारी रोग का, ये सिर्फ इवेंट करते हैं, इवेंट की सरकार है ये टोटल। और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गए, हम लोग एक लौती ऐसी पार्टी थे कि एक जो वहाँ पे जाते हैं मुआयना करते हैं और उस दिन भी रक्तदान करते हैं और दूसरे दिन भी फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में, आप अपने माध्यम से पता कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया कि वहाँ के आम जनमानस को किसी प्रकार की मुसीबत ना हो सके। हम लोगों ने वहाँ पे जाके क्या कहते हैं जो मृतक परिवार थे उनसे मिलने का भी काम किया। वहाँ पे सुदामा नगर है, कापावली, ऐसे बहुत सारे एरिया है। प्रियंका जी आएंगी क्या? देखिए प्रियंका जी ने प्रतिनिधि मंडल के तौर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को भेजा और नहीं, मैं पूछ रहा हूं प्रियंका जी खुद नहीं आएंगी? नहीं, प्रियंका यहाँ पे देखिए प्रियंका जी के ही तो माध्यम से हम लोग वहाँ गए भाई। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में क्या कहते हैं उनके आदेश पर माननीय अजय कुमार लल्लू जी वहां पहुंचे, वहां पे लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश की, मगर जो आए दिन पूरा प्रदेश, क्योंकि कोरोना की लहर सेकंड वेव को हम लोग बहुत नजदीक से देख चुके हैं, हम लोग ने बहुत अपने लोगों को खोया है, हर परिवार के कहीं ना कहीं किसी न किसी को खोया है। तो कुल मिला के सरकार जो है वो बिल्कुल असक्षम है, वो फेल हो चुकी है। और खुद जब घटनाएं हो जाती हैं तब ये सीमों को हटाने का काम करते हैं। आप मैं बताऊं, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो नगर निगम के लोग सफाई तब कर रहे होते हैं जब 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है, स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ रहता है। तो कुल मिला के ये सरकार जो है ये दूरदर्शी है, इनको क्या समय की नजाकत का नहीं पता था और इतने 50 लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। इसका पूर्ण जिम्मेदार जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो क्या शिल्पी जी मैं आपके पास आऊंगा, जिस तरह से भी अश्विनी जी कह रहे थे कई सारी चीज़ें उन्होंने कही सपा को लेकर कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन के लिए मना कर दिया, लेकिन एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है और उसका रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में 22 में मिलेगा। आप लोग शून्य हो जाएंगे आप लोग, या ये इस समय जो इस समस्या पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको शून्य होना जरूरी है? भाई देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि केवल चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं जनता और जनता की समस्याओं से कोई सरोकार है नहीं। सरकारें शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे पर आती हैं, शायद अश्विनी जी वो भी नहीं जानते हैं। और स्वास्थ्य के विभाग का पूरा हाल क्या है, आप कोरोना कोरोना रोते रहिए, लेकिन न्यूजीलैंड जैसे देश ने इतना अच्छा मैनेजमेंट कर लिया था, ये उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी इन्हें चिंता सिर्फ सीटों की है, इनकी पूरी बातचीत घूम फिरकर सीटों के पर ही आके रुक गई। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम क्या मेजर्स ले रहे हैं, हमने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए, कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि सपा शून्य पे निपट जाएगी, हमें तो इसकी चिंता नहीं है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, हम शून्य पे हों या माइनस में चले जाएं, अगर ऐसा ही होगा तो जनता आपको जवाब देगी। आप लोग जनता को क्यों भड़का रहे हैं कि वैक्सीनेशन ना करो? जनता को भड़का रहे हैं, अगर जनता के साथ हम खड़े होंगे तो जनता को भड़काने की बात हो गई। ना जाने कितने लोगों को वैक्सीनेशन के बाद उसके रिएक्शंस हुए। मेरे अपने फादर को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि हाँ ये उनको वैक्सीन की वजह से हुआ है, ये कह रहे हैं 7 करोड़ लोगों ने लगवा लिए। 24 करोड़ की अगर पूरी जनसंख्या है, 7 करोड़ ने लगवा लिए, ये कौन सी बहुत बड़ी संख्या हो गई? पूरे देश का क्यों बताऊंगी, यहाँ तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूरे प्रदेश का बताइए कितने परसेंट हुआ है, इसका बता रही हूँ बताइए। तो लोग लगवा नहीं रहे हैं वैक्सीन, लोग साइड इफेक्ट बहुत हैं, ह्यूमन ट्रायल्स पूरे नहीं हुए, कोई आंकड़ा प्रस्तुत करिए, उसको फैलाने से काम नहीं चलेगा। आप बांट रहे हैं टैक्स के पैसे से लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, आप वो भी गलत वैक्सीन दे रहे हैं। टैक्स के पैसे से, भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है ये, लोगों ने काम करा दिया तो वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। ये दोहरा चरित्र सामने आ रहा, हमारे चरित्र की चिंता न करिए, आप डिरेल हो रहे हैं, आप पूरी डिबेट से डिरेल हो रहे हैं। आप स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे हैं, आप समस्या पे बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव पे बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरी भारतीय जनता पार्टी डिरेल्ड है। आप अपनी चिंता करें, लोगों की चिंता करें, ज्यादा अच्छा होगा। 6 महीने बचाए मात्र, आपको 6 महीने में जनता बहुत अच्छा जवाब देने वाली है, समय बताएगा कि कौन किसे किसके खिलाफ भड़का रहा है। चलिए मैं राजेश जी के पास चलूंगा। राजेश जी क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने ज़रूरी हैं, क्योंकि पता ये चला है कि जब लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहां पर एक एक बेड पर 10-10 मरीजों को रखा गया हुआ है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि जो लक्षण हैं, क्योंकि कहीं पर बताया गया है कि लोगों को फीवर आया, फीवर आने के बाद उनके जो हाथ पैर थे उन्होंने वो झटकने शुरू कर दिए, और ये बताया गया कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फीवर आ रहा है लेकिन वहाँ पर ये लक्षण नहीं, वहाँ पर लक्षण दूसरे हो जा रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लक्षण होना ये कितना खतरनाक है, और कब तक हम इस पर काबू पा सकते हैं, कब तक हम अपनी सावधानियाँ क्या क्या बरतें घरों में, ये बताइए जरा। नितिन जी, जैसा कि हर बार जब भी जुलाई का मौसम आता है या जो संचारी रोग है इनका मौसम आना शुरू होता है, तो सरकार भी कहती है हमें कि हमें अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, और कोई भी ऐसे बर्तन, खाली बर्तन या खाली जगह जहाँ पर साफ पानी इकट्ठा हो सकता है जिसमें कि एडीज मच्छर का लार्वा पनप सके, उस साफ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे कि कूलर हो गए या पुराने टायर्स हो गए या नारियल के खाली कोपरे हो गए, तो ऐसी सारी जगहों को जहाँ पे जो एडीज मच्छर के पैदा होने के रिजर्वायर के रूप में काम कर सकता है, तो ऐसी जगहों का नियंत्रण करना आवश्यक होता है। साथ में जो लार्विसाइडल होता है, जो लार्वा को मार सके, ऐसी दवाओं का छिड़काव किया जाना चाहिए। विशेषकर ऐसे लोग जिनके घरों के आसपास का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे अक्सर मच्छर बने रहते हैं या गड्ढा रहता है या पानी भरा रहता है, उनको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और कोशिश करें कि बच्चों को फुल स्लीव की, मतलब पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं और फुल पैंट पहनाएं, और अगर आप हो सके तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप मच्छर को काटने से बचा सके अपने बच्चे को, तो इस प्रकार से जो आपको डेंगू वायरस का खतरा होगा वो काफी कम हो जाएगा। अच्छा राजेश जी स्कूल खोल दिए गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और लगातार ये जो वायरस है वो लखनऊ में भी फैल गया है, 50 करीब मरीज लखनऊ में भी मिले हुए हैं। तो एक और अहम बात यह है कि कुछ दिनों पहले लखनऊ का ही एक इलाका है बालू अड्डा, जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर लोग रोड पर आ गए थे क्योंकि उनके यहाँ जो पानी था वो साफ नहीं आ रहा था, और बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोग बीमार हो गए थे। तो आप बताइए, स्कूल खुल जाना और उसके बाद इस तरह की जो महामारी है उसका फैलना, ये कितना खतरनाक हो सकता है? इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, शेयर करते हैं चीजें, तो एक बच्चे से संक्रमण दूसरे बच्चे में जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रबंधन सिस्टम है उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, एक तो 50% से ज्यादा अटेंडेंस सही हो, दूसरा एक जो कोरोना एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस है कि मास्क पहन के रखें, फूड शेयरिंग ना करें, इसको ध्यान रखें। अश्विनी जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं यहाँ अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आगे की क्या रणनीति है, क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फिरोजाबाद पहुँचे थे। हालांकि जिस बच्ची से उन्होंने मुलाकात की, कोमल नाम था उसका, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग मेडिकल कॉलेज तो सभी जगह हैं लेकिन क्विक रिस्पॉन्स कहीं पर भी नहीं है। अस्पताल जब मरीज पहुँच रहा है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं अवेलेबल मिलते हैं, वहाँ पर इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, और उसी वजह से लोगों की जो जान है, जो बच्चों की जान है, वो चली जा रही है। तो आगे आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है, क्या रोड मैप तैयार किया है, और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि आने वाले 2-3 दिनों में हम इस पर काबू पा लेंगे, तो क्या है वो रणनीति, वो भी बताइए, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी इस पर फोकस करे, जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी फोकस करे। और एक सवाल ये है कि क्या इन क्षेत्रों में डॉक्टर्स की टीम को नहीं भेजना चाहिए ताकि वो घर घर जाकर इसकी जांच पड़ताल कर सके, लोगों को ये बता सके कि उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी है? नितिन जी देखिए, अभी जो रोग चल रहा है, इस रोग में सरकार ने बड़ा क्विक रिएक्शन लिया है। मैंने अभी पहले भी बताया कि 75 जिलों में एक नोडल अफसर बनाए गए हैं, और नोडल अफसर का की जिम्मेदारी है कि वहाँ ब्लॉक स्तर पे जो पीएचसी सर नोडल अफसर डॉक्टर नहीं होता है, मेरा सवाल ये। नहीं, मैं बता रहा हूँ नितिन जी, उसी में आगे आपका जवाब है। नोडल अफसर एक निगरानी रखेगा और पूरे हर पीएचसी लेवल पे एक जूनियर डॉक्टर के देखरेख में टोलियां बनाई जा रही हैं। जो टोलियां अगर जहां प्रभावित लोग हो रहे हैं, यहाँ जहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहां जाकर एक जागरूकता फैलाने का, जो आपने अभी सवाल किया कि दुकान से दवाई लोग लेकर खरीद कर खा ले रहे हैं, इन सब जैसे भ्रांतियां ये फैलती हैं कि ये खा लेने पर ठीक हो जाएगा, तो उनको सही सलाह देने का काम, अगर उनको दवाई की जरूरत है तो वहां दवाई देने का काम। सफाई विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं हर जगह सफाई करने पर। मलेरिया विभाग अपना अलग काम कर रहा है कि मलेरिया का जहां छिड़काव, गंदगी, ये सब अभी क्या है कि कूलर में घरों में इस समय गर्मी जा रही है और नमी या बरसात का आ रहा है। तो सर, पीड़ित परिवार जो है, जिन्होंने अपने घर के बच्चों की जान गंवा दी है, तो हम उनसे क्या बताएं? ये बताएं कि आपने अपने कूलर में पानी भरा हुआ था, इस वजह से उनकी मौत हो गई, या आपके घर के बाहर पानी भरा हुआ था, इस वजह से मौत हो गई, क्या बताएं हम उनसे? आप क्या बताना चाहेंगे? लेकिन जी देखिए, जिसके घर पे किसी के भी बच्चे की दुखद अगर मौत हुई है तो बहुत ही संवेदनशील मामला है, उसके लिए हम लोग संवेदना के अलावा और कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आज उससे जूझ रहे हैं उनको बचाने पर काम हो सकता है, और वही हो रहा है। सर, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, आप लोग स्वास्थ्य को लेकर रोज बैठक करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सीएचसी हैं, जो पीएचसी हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, दवाएं अवेलेबल नहीं हैं। 1.5 से 2 साल हो गए सर, कब ये स्थिति सुधरेगी? देखिए नितिन जी, आपने कहा 1.5 से 2 साल हो गए हैं, अरे मैं तो कह रहा हूँ 4 साल हमको हो गए हैं। हमको जो इस पूरे 23 करोड़ जनता के प्रदेश में बीमारू पीएचसी और पीएचसी विलेज के जो डॉक्टर जाते नहीं थे, आज जाते हैं वो डॉक्टर। शहरों में रहना छोड़ दिया है। मैं 1.5 से 2 साल टीम 9 और टीम 11 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रोज वहाँ पर बैठक होती है और रोज स्वास्थ्य पे ही बात होती है। सीएम हमारे जो हैं वो स्वास्थ्य को लेकर ही रोज दिशा निर्देश देते हैं। मैं 4 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 4 साल में तो आप लोग ने संचारी रोग अभियान चलाया, लेकिन संचारी रोग ही ये फैल रहे हैं। नितिन जी सुन लीजिए, उसी का आज ये असर है कि हम लोग उसको उच्चीकृत करने में सफल हो रहे हैं। और अब बहुत जगह पर पीएचसी और पीएचसी जहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं होता था, ड्रेसिंग होती थी, आज वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं। कई जगह ऐसे पीएचसी और पीएचसी पाए गए हैं जहाँ पे डॉक्टर जा रहे हैं, डॉक्टर। इतना ही आंसर ये बता दें कि जो फिरोजाबाद में 50 बच्चों की मृत्यु हुई है, उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं कि नहीं है? कांग्रेस के नेता को मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर कैप्टन बुरा होता है, अगर कोई प्रदेश में बुरा होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेता है, और विजय होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो फिरोजाबाद में 50 बच्चों की मृत्यु हुई, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। जवाब सुनिए, पहले जवाब सुनिए सवाल। नहीं, आप इतनी देर से देख रहा है कि आप सीएससी पीएससी इतने डॉक्टर ये टीम साहब रिजल्ट तो सुन आ रहा है। आप पूरा महकमा लगा दीजिए, जो 50 बच्चे मरे हैं उनके खोए हुए बच्चों को कौन वापस करेगा? उत्तर प्रदेश के मुखिया वापस करेंगे कि देश का मुखिया वापस करेगा? आपकी लापरवाही है और आपकी लापरवाही साफ साफ दिख गई है। जनता आपसे त्रस्त है और ये सरकार रोगग्रस्त है। ये लोग, ये सरकार पूर्ण रूप से मानसिक विचलित है और ये आज दूरदर्शी सरकार है। आप टोटल रूप से फेल है, इसको स्वीकार करिए। 4.5 साल होने के बावजूद भी आप घुमा घुमा के आंसर दे रहे हैं। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। 2022 में उत्तर प्रदेश आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। राजस्थान देखिए, आप अपना राजस्थान देखिए कितने लोग मरे। हमको राजस्थान, हमको फिरोजाबाद दिख रहा है, हमको पश्चिम उत्तर प्रदेश दिख रहा है, हमको पूर्वांचल दिख रहा है, हमको सोता हुआ इस प्रदेश का मुखिया दिख रहा है, हमको सोता हुआ इस पूरे प्रदेश के प्रशासन व्यवस्था दिख रही है। कितना दवाई देकर आया आपने, क्या सहायता की बताइए। वो तो कोरोना में दिख गया, कोरोना में दिख गया। दुबक बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखिया, एक बार भी आम जनमानस के बीच में जाने का काम नहीं किया। यही पूरे लखनऊ में आदमी एडमिट नहीं हो पा रहा था, उसको चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। पूरा भाईसाहब से लेके एक एक शमशान, नदियां लाशों से भरी हुई थी। मगर आप बेशरम लोग हैं, आप लोग गिरगिट संस्कृति के लोग हैं। इस पूरे प्रदेश को आपने सिर्फ ठगने का काम किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था शून्य हो चुकी है। इसको स्वीकार करिए, इसको स्वीकार करिए। उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की जानों के साथ खेलने का काम मत करिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। और जो लगातार जो अपने जो शिशु बच्चों की जान जा रही है, उसको स्वीकार करने का काम करिए। जो है चाइना से लेकर यहाँ तक समझौते करेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इतने ही आपके अंदर हमदर्दी होती ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जाके रक्तदान शिविर लगाते, वो भी काम आपसे नहीं हो पाया। आप सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस देश को अपनी बातों में, इवेंट्सों में बहलाने का काम कर रहे हैं। इस चीज को स्वीकारिए। आज पूरा प्रदेश जान चुका है कि जो 50 बच्चों की डेथ हुई है और भी जो हो रही होंगी, क्योंकि आपको आंकड़े किससे अच्छी तरह से खेलना आता है। उसका पूरा जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी है। इसको स्वीकार कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, वो बता तो रहे हैं कि आगे उसकी तैयारी। राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, राहुल गांधी सत्ता में नहीं है और नहीं चला पा रहे तो दे दीजिए राहुल गांधी को। देश, पूरा देश मांग रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार, महिला उत्पीड़न, पूरा प्रदेश बलिया से लेकर देवरिया तक जंगल बना के रख दिया। आप लोग राजनीति की बात ना करिए, हम लोग आगे उस पर बात कर लेंगे, आगे आने वाले दिनों में बात कर लेंगे, क्योंकि 22 का चुनाव भी करीब है। 4 महीने बचे हुए हैं। अभी संवेदनशील मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा गंभीर है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से कुछ सुझाव जरूर दिए जाएं, ताकि अगर बीजेपी उस पर फॉलो नहीं कर रही है तो उस पर फॉलो करे। शिल्पी जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगी अश्विनी जी के थ्रू, ताकि वो सरकार तक पहुंच सके? देखिए, मुझे तो लगता है 1 मिनट में मैडम अपना जवाब दीजिए। इस समय सरकार को विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए, अपने अहम को किनारे रख के। पिछली बार डॉक्टर कफील के साथ क्या हुआ सबने देखा। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं। सरकार आगे हाथ बढ़ाए, सरकार सबसे कहे, सरकार दूसरे विपक्षी दलों से कहे कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि ये जनता की बात है, ये सरकार की बात नहीं है, सरकार चलाने की बात नहीं है। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो हम किसकी क्या मदद कर पाएंगे? तो जनता के लिए सबको एकजुट होकर साथ आना चाहिए और इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपना हाथ, अपना दिल बड़ा करना चाहिए और सभी के लिए कहना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए कि आप हमारी मदद करें। आगे इनके ऊपर निर्भर करता है। विशाल, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहिए? जहाँ तक फिरोजाबाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जब घूम के आए तो वहाँ देखा कि जो नगर निगम की व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार व्यवस्था थी। वहाँ पे इतना गंदगी, क्योंकि ये बीमारियाँ जितने भी हैं, पानी भरने से, गंदगी से, पेयजल में दूषित पानी होने से, तो ये चीज़ें वहाँ पर दिखीं। और यही इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज हम लोग वहाँ पर 50 बच्चों की जानों को गंवा चुके हैं। तो कुल मिला के हम लोग विपक्षी दल हैं, इनको जगाने का काम कर रहे हैं। ये जागे, वहाँ पे जो स्वास्थ्य महकमा है उसको दुरुस्त करने का काम करें, नगर निगम की जो वहाँ पे जो क्या कहते हैं विभाग है उसको दुरुस्त करने का काम करें और तेजी से इस बीमारी पे काबू पर करने का काम करें। नई बीमारी नहीं, ये पिछले कई विशेषज्ञ भी बता चुके हैं कि ये जो 4 महीने संचारी रोग के महीने होते हैं, बड़े गंभीर महीने होते हैं, इसको गंभीरता से लें। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके आखिरी में आपके पास आना चाहूँगा। क्या बताना चाहेंगे कि कम समय में हम कैसे उस सावधानी को बरतें ताकि इस समस्या से बच सके जो अब तक इसकी चपेट में नहीं आए? 30 सेकंड में डॉक्टर साहब अपना जवाब दीजिएगा, समय बड़ा कम है हमारे पास। जी लेकिन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अभी हमने टीम 11 या टीम 9 की बात की है और साथ में जो हम बात करते हैं जो सीएमओ जो होता है किसी भी जिले का, उसके दायित्वों की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है नितिन जी की जो नीति निर्धारक जो तत्व होते हैं उनमें डॉक्टर्स की और ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मलेरिया की दवा का छिड़काव करना या फिर गड्ढों को भरना या फिर पानी इकट्ठा लाना, इन सब का काम आप किसी दूसरी संस्था को दे दें और उसके बाद जब संचारी रोग बहुत तेजी से फैल जाए उसके बाद आप CMO का ट्रांसफर करके सोचें कि सबको कंट्रोल कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आपको डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में डॉक्टर्स को और ज्यादा अपने साथ रखना होगा, क्योंकि उनको सही तरीके से पता होता है कि रोग को बढ़ने से कैसे बचाना है और रोग को कैसे नहीं पनपने देना है, मतलब ताकि इसका जो फ्यूचर रिकरेंस है वो ना हो। अश्विनी जी, मैं आखिरी में आपके पास आता हूं और मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग के लिए समय बहुत ही कठिन है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, अभी कोरोना की तीसरी लहर भी बाकी है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हुई हैं। कम समय में हमें ये भरोसा जताइए कि आने वाले दिनों में सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। नितिन जी, देखिए 23 करोड़ जनता जो है हमारा एक परिवार है और परिवार जो है इस समय सुरक्षित हाथों में महफूज इस समय है और जो बेहतर हो सकता है सरकार करने का प्रयास कर रही है। हमने कोरोना में भी देखा हमने किस तरीके से समय रहते चीजों पर काबू पाया, व्यवस्थाओं को सही किया और आज हमने जो है एक अच्छा रिजल्ट दे पाए उसका। उसी तरीके से ये जो समय ऋतु बदलनी है, इस ऋतु बदलने में जो बीमारियां आई हैं, जो बच्चे हमको छोड़कर जा चुके हैं, उसके लिए संवेदनशीलता के साथ अफसोस और श्रद्धांजलि हो सकती है, लेकिन आने वाले में ये चीजें कम हो, मौतें कम हो और बीमार लोग कम पड़े। उनको अगर बीमार पड़ते हैं तो समय पर दवाइयां, समय पर व्यवस्थाएं उनको मिले, ये भरपूर करना पड़ेगा, सरकार कर रहे हैं। चलिए, इस गंभीर विषय पर आप सब जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि लगातार ये जो समस्या है ये बढ़ती जा रही है। एक बहुत ही अहम बात मैं कहूँगा, एक शेर है कि खुद को खुदा से बड़ा मानते हैं वो और कद अगर नाप दो तो बुरा मानते हैं वो। कुछ उस ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी बने हुए हैं। अगर आप कमियां बता दो तो कहीं ना कहीं लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम सबको मिलकर के इस पूरी लड़ाई से लड़ना पड़ेगा। सावधानियां हमें भी बरतनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे घर में इस तरह के किसी के भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार आ रहा है या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हम उसका इलाज घर में ना करें या किसी झोलाछाप डॉक्टर से ना करवाएं, उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं। इसके अलावा कुछ जो दवाएं हम शुरुआत में दे देते हैं मरीज को, उससे खून जो होता है वो पतला हो जाता है और उसकी वजह से ये डेंगू की जो समस्या है या फिर दिमागी बुखार की जो समस्या है ये और बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं। तो ये घर पे इलाज मत करिए। अगर आपके घर में कोई भी बीमार हो रहा है तो उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास ले जाइए, हॉस्पिटल्स में ले जाइए, वहां पर इलाज करवाइए, घर पर इलाज मत करिए और आप सब स्वस्थ रहें, हम यही चाहेंगे। आज की डिबेट में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।